रीवा के कुठुलिया फल अनुसंधान केंद्र में आम का एक ऐसा अनोखी दुनिया है जहां 2400 से ज्यादा पेड़ हैं और आम के 237 किस्में भी हैं और सभी आम की अपनी अपनी खूबियां हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि यहां न सिर्फ सुंदरजा पर अपने देश में मिलने वाले प्रजाति की खेती की जाती है बल्कि अमेरिका में मिलने वाले प्रजाति के आम की खेती भी यहां की जाती है। इसकी डिमांड बेहद ज्यादा है, इसलिए सीजन से पहले इस आम की कीमत काफी महंगी होती है। सीजन के बाद भी इस आम की कीमत 1000 रुपए किलो से भी ज्यादा रहती है। अमेरिका के फ्लोरिडा में इरविन और सेंसेशन आम की उत्पत्ति हुई है। कलरफुल आम होने के कारण धीरे धीरे सेंसेशन आम एशिया महाद्वीप के देशों तक पहुंच गया और इरविन की भांति सेंसेशन की भी दुनिया भर में डिमांड है। रीवा के कुठुलिया में 4 प्लांट लगे हैं, यह एक साथ छोड़कर फल देता है। इसकी खासियत यह है कि दूसरे आमों की अपेक्षा ये ज्यादा कलरफुल होता है। इसका ऊपरी हिस्सा कत्था और बैंगनी रंग का होने लगता है, क्योंकि इस आम का रंग बहुत प्यारा होता है, इसलिए इस फल में बेहद जल्द कीड़े लगने लगते हैं और कीड़ों से सुरक्षा करने के लिए आम में जालीदार कपड़ा लगाया जा रहा है। वैज्ञानिक डॉक्टर टीके सिंह ने बताया कि कुठुलिया फल अनुसंधान केंद्र में अमेरिका के इरविन आम के 5 पौधे लगाए गए हैं। इरविन आम की खासियत यह है कि इसके एक आम का वजन 250 ग्राम होता है। यह कलरफुल वैरायटी वाला आम है। इन दिनों विदेशों में कलरफुल आम की काफी डिमांड है। देखिए, हमारा जो ये इरविन आम है, ये बाहर का विदेशी आम है जो अमेरिका के फ्लोरिडा स्थान है, वहाँ की इसको उत्पत्ति बताया गया है इरविन आम का। ऐसे ही हमारे पास सेंसेशन है, उसका भी हमारे यहाँ करीब 20 प्लांट लगे हुए हैं और वो कम से कम 30 ईयर्स के एबव है। और उसका परफॉर्मेंस ये है कि जैसे कलरफुल आम तो है और इसकी में जो क्वालिटी है, जैसे कि TSS जो टोटल साल्बू सॉलिड होता है वो 30%, मतलब 13 से 14% इसमें TSS पाया जाता है। तो न कहें इसमें शुगर बहुत कम है, लेकिन ये कलरफुल होने के नाते इस पर जो कीड़ों का फ्रूट फ्लाई का सबसे ज़्यादा अटैक होता है। तो इसकी सक्सेस खेती करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसके में फ्रूट फ्लाई ना अटैक करें। इसके लिए हम लोग इस बार थोड़ा सा जैसे मच्छरदानी नेट होता है उससे हम आम को कवर कर देते हैं, जिससे ये फ्रूट फ्लाई इसमें डैमेज ना कर पाए। तो अभी ये अनुसंधान किया जा रहा है, इसके बाद ही किसानों को ये लार्ज स्केल पर इसका प्रोडक्शन किया जाएगा।